हरे श्री कृष्णा। तो देखिए सुबह के 6 बज रहे हैं और बारिश बंद नहीं है और मैं नहा धो के साफ सफाई घर की करके और पूजा मैंने कर ली है और अब मैं सूर्य को अर्घ दे रही हूँ, क्योंकि सूर्य तो हमेशा निकलता ही रहता है, क्योंकि चाहे बादल हो या घटा हो, कुछ भी हो, हम कभी भी सूरज को जल दे सकते हैं। तो 4 बजे भी दे सकते हैं, 5 बजे, 6 बजे। तो मैं सूरज को जल दे के उसके बाद मंदिर जाऊँगी और मंदिर आके वहाँ से जब चाय वाय बना के उसके बाद अपना घर का काम खाना वाना बनाऊंगी। चलिए सूरज को जल दे देते हैं। तो अब मैं मंदिर जाऊंगी, चलते हैं अंदर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये पंचामृत ले लिया है मैं शिव मंदिर जाने के लिए, और यहाँ पे ये मैंने स्वच्छ जल ले लिए हैं। एक लोटा मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाऊंगी और एक घोले पे, तो 2 लोटे मैंने स्वच्छ जल के ले लिए हैं पंचामृत चढ़ाने के बाद। और ये मेरा खीर का प्रसाद है रात का। चंद्रमा की किरण तो ऐसी ही लगी है, निकलाई नहीं है, जरा बहुत दिखा होगा, बारिश पड़ रही है पूरी रात। तो और इसमें मेरा सब सामान है, धूप जोत सब, चावल। तो चलिए मैं चलती हूँ मंदिर। तो देखिए दोस्तों, मंदिर से मैं आ गई हूँ, हल्की हल्की बूंद पड़ रही है, इस टाइम ज्यादा तेज तो नहीं है। और जो थोड़े बहुत बर्तन थे दूध दूध के, और मैं मंदिर गई थी, लोटा वोटा ये सुबह पानी वानी पिया था, वे मैंने साफ कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने रख दिया चाय बनने के लिए और ये दूध गर्म करने के लिए रख दिया। तो चाय में डाल लेते हैं चाय पत्ती। थोड़ी सी अदरक डाल लेते हैं। इस बारिश में धान वान तो सब बेकार कर दिए, सब खेती। देखिए अदरक मैंने कूट के अच्छे से तल डाला है ताकि इसका अच्छे से असर हो। देखिए चाय भी उबल गई है, पहले पियेंगे चाय, उसके बाद कुछ करेंगे साग सब्जी का इंतजाम, सब्जी उब्जी बनाएंगे, या फिर सब्जी नहीं बनेगी तो कुछ और आलू उबाल के, आलू के पराठे वराठे कुछ ना कुछ। ऐसे मौसम में तो आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, तो आलू ही उबाल लेंगी और पराठे बना लेंगी। सबसे पहले तो चाय पी लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसमें आलू उबाले थे, आलू में हरी मिर्च और प्याज और सभी मसाले डाल के मैंने बना ली है इसकी पिट्ठी, और आटा लगा लिया है, और गाय चिड़िया की रोटी मैंने बना ली है, और अब बना रही हूँ मैं पराठे आलू के। तो देखिए, तो देखिए मौसम भी खराब है और आलू के गरम गरम पराठे और दही से खा लेंगे, और मुझे थोड़ा दही नुकसान करती है, तो अपने लिए मैं थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, गैस पे रख दी है, मेरे दर्द की प्रॉब्लम है तो मैं दही नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे बन गया है पराठा, देखिए। तो देखिए यहाँ पे चलेंगे अब दही से पराठे, आप भी आ जाइए और खाइए और आनंद लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पराठे मेरे सब बन गए हैं, बाद में बनाई है मैंने कुत्ते की रोटी, बाद की रोटी कुत्ते की बनानी चाहिए। तो और खा भी लिए हैं सबने, और यहाँ पे अब मैं थोड़ी सफाई सी करके बर्तन वर्तन साफ कर दूंगी। तो देखिए अभी भी बाहर बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन बंद नहीं है।
देखिए बादल बहुत हो रहे हैं घने और हल्की हल्की बूंदें अब भी पड़ रही हैं। अब मैं खाना खा के कपड़े लगा दूंगी तो मेरा काम ख़त्म। उसके बाद फिर कुछ और करूंगी, कुछ अपना कीर्तन भजन ध्यान कुछ करूंगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा पालक भी सारा किस तरह से हो गया है। देखिए ये बारिश में जिस तरह से इतना अच्छा जमा था सब बेकार हो गया, इतने पानी भर गए थे। वहाँ पे है ये धनिया बारीक बारीक सा, और देखिए हल्दी तो बहुत ही बड़ी हो गई है काफ़ी। लेकिन अभी ये पूरी सर्दी नहीं, ये मई जून में